जन्म कहाँ हुआ था अगर बात करें? मेरा जन्म तो राजकोट में हुआ था, गुजरात। तो पूरी कहानी बताइए, क्या कहानी आपकी रही है? फिर हमारे मम्मी पापा यूपी में चले गए थे, यूपी में बाद में गए, शादी हुई थी मेरी माँ की, मतलब पिताजी थे, हम राजस्थान में पले रहने वाले। हमारे मामा और राजस्थान में थे, मतलब दो तीन जगह का ब्लड मिला हुआ है। राजकोट 2.5 साल के थे, राजकोट भूल गए थे, उसके माँ बाप मतलब वहाँ से फिर वहाँ आ गए राजस्थान, राजस्थान से फिर यूपी आ गए हम लोग, और अब यूपी से मैं दिल्ली में आ गई, शादी हो गई। शादी कौन से सन में हुई थी आपकी? अब ये याद नहीं मेरे को, मैं उस वक्त 18 साल की थी, 24 साल में 3 बच्चे हो गए और घर से बेघर हो गए। अगर बात करें आपकी शादी किस घराने में हुई थी, क्या आपका बैकग्राउंड था? हम तो जेके टाइनी है, उनके कुल पुरोहित की लड़की, ब्राह्मण शास्त्र ब्राह्मण, और ये इनके इनके पीढ़ी वंश नहीं चलता था, जनियों में आ गए। इनमें एक ससुर मेरा ब्राह्मण था और एक जनी, पार्टनरशिप में काम था उनका, इसलिए हमने जनी बन गई, क्योंकि जनी को अडॉप्ट था मेरा हस्बैंड, उन्होंने गोद लिया था। तो उसके बाद आपने जो, इसलिए मुझे जैन धर्म को मानना पड़ा। हाँ, मैं सब धर्मों को मानती हूँ, ब्राह्मण धर्म भी जैन सब धर्मों को, सबका सबका असर है मेरे अंदर। आपके बारे में तो कहा जाता है कि आप अमीर घराने से हैं, आपकी जब शादी हुई, इससे कुछ नहीं होता अमीर, बड़े बड़े राजा महाराजाओं पे कष्ट पड़ा है, तो हम क्या चीज़ हैं? सीता जी जैसी राजा जनक की पुत्री, उनके घर में मेरे से तो अच्छी पैसे वाली उसकी नौकरानियाँ होंगी। मैं बॉम्बे में रहती थी, मलावारी से, तो मेरी जमुना बाई जो आती थी वही मेरे से सुंदर जूड़ा बना के आती थी, ऐसे हमारा चावल जाता था प्लेन के जरिए, क्योंकि मराठी चावल खाते हैं, तो मैं नहीं देती थी उसको कि चावल दिल्ली से आया और मराठियों को चावल चाहिए, हमें तो पता नहीं था इस चीज़ का। लेकिन आपकी जब शादी हुई थी दहेज में क्या दिया गया था, कोई याद है आपके? दहेज में मेरे पिताजी ने कि मेरी लड़की चांदी वालों के जा रही है, 70 गिलास चांदी के बांटे थे, चांदी के नहीं होते, और एक एक चांदी का फूल। आप उस समय होटलों में, और मेरा कन्यादान इन्होंने किया, जेके टायर नहीं है सिंघानियों ने, मतलब मेरा जो घाघरा वगैरह कलकत्ता से आया था मुझे, उस पर बहुत सस्ता हो गया था कन्यादान। लेकिन कहा जाता है कि आप तो होटलों में चाय पीती थी, होटलों में घर से निकली ना तो डायमंड पहने थी, ये 90,000 का कांटा पहनी थी नाक में, और चूड़ियाँ 4 पहने थी, ये पहन के घर से निकली थी मैं, माँ बाप का घर भी छोड़ दिया था मैंने, भाग आई दिल्ली। बॉडीगार्ड साथ में रहते थे? बॉडीगार्ड नहीं रहते थे, मतलब गेट पे होते थे वहाँ पे, फिर मैं जब पैसा जब आ गया तो भी मैं यहाँ बैठ के चाय नहीं पीती थी, वहाँ जाती थी वह सिविल लाइन पे, जहाँ हमारा समाज ट्रस्ट की जगह है, तो टैक्सी वाले से कहती थी चल लोधी होटल वुडलैंड, और वहाँ ओबेरॉय कॉन्टिनेंटल है, वहाँ मसाले की चाय पीते हम लोग, तो वो कहता था वहाँ से आप निकलोगे नहीं सामने, और हम बैठे रहे वहाँ सारे सवारी, तो मैंने सारी टैक्सी के शीशे तोड़ दिए थे, क्योंकि वहाँ डायर से हाथ धो के बाकायदा फिर निकलती थी। तो अब कब से बैठी हो यहाँ पर? तो वो सारा डायमंड बेच दिया, मतलब किसी के घर रखे आई, कभी 5,000 ले आई, कभी 4,000, और होटल में कमरा बुक करा, 2 दिन नहा ली धोली फिर 12,000 रुपये आ गई, मतलब वो डायमंड भी यानी कि 80-90 हज़ार मैंने डायमंड बेच दिया अपना, नहाने के पीछे और खाने के पीछे, और ऐसे बैठ गए। अब भगवान ने सब कुछ सिखा दिया, अभी भी तुम अच्छा जब आश्रम वाले ले गए, मैं वहाँ भी नहीं खाती थी, अपने 2 गिलास रखती थी, गिला जिसमें नहीं पीनी चाहिए चाय डिस्पोजल में, लेकिन गिलास धोएगा केमिकल होता है इनमें सब में, तो वो लोग यहाँ छोड़ गए थे। कब से बैठी हो यहाँ पर चांदनी चौक में? चांदनी चौक में तो शादी हो के आई थी ना मैं, नहीं यहाँ पर कब से बैठी हो? थोड़े दिन वहाँ खाता के बाहर दी, वहाँ मेरा सामान मतलब मैंने ये मैक्सी के अंदर ये गठरी रख रखी थी, वो ले गए, या गला दबा के ऐसे यहाँ रखी, 2 बैग रखे थे वो ले गए। अब उसमें मैंने एक गाउन लाने के लिए पैसा रखा था, आज जाऊँ कल जाऊँ, तो बैग ही ले गए, मैं यहाँ से वहाँ कचरा साफ ले गई, वो बैग ही उठा के भाग गया। अब ये पोट लिया बस, इसमें गिलास डिस्पोजल पन्नी बस,
और कभी जैसे कोई पैसा देगा शाम को देना उसको, तो उसे रखूंगी और शाम होते उसको दे दूंगी। कहा जाता है आप भीख भी नहीं मांगती हो। भीख मांगती हूँ, कौन कहता नहीं मांगती हूँ, बस ये है कि जो पैसा मुझे मिला वो मैं सेवा कराई, जैसे तुमसे काम कराया तो उसको दे दूंगी, और जो खाऊंगी ना वो मैं मांग के खाऊंगी। जिंदगी से कोई गिला सिखवा। ऊपर वाले ने जो किया मेरे साथ वो बहुत अच्छा किया है, उसने मेरा माया मोह खत्म कर दिया, अब मुझे सारी दुनिया से लगाव हो गया, मुझे कोई जिंदगी से गिला सिखवा नहीं। पर मैं ये चाहती हूँ अब करवा ले, जब इतनी कठिन परीक्षाएं ली तो ये कल को ऊपर वाला अलार्म बजा कि चलो अब तुम बहुत है। दुख होता है किसका, मुझे रत्ती भर दुख नहीं है, मुझे सारी दुनिया का दुख लग रहा है। अब तुम भी मेरे बच्चे हो, ये भी शैतान भी, मैं सबको देख रही हूँ, एक तरफ कुत्ता गाड़ियों में घूम रहा है, एक तरफ कुत्ते को हम लोग भगा रहे हैं। व्यवस्था सबकी सही नहीं है, आदमी कोई गलत नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है। पढ़ाई कहाँ तक की है? बी ए तक पढ़ी, कॉलेज पढ़ी, इंटर पढ़ने पढ़ने तक आई हुई कि लड़की पढ़ी लीजिए, और जिद्दी शुरू से हूँ बचपन से, अगर मैंने जिद पकड़ ली तो पकड़ ली। वो तो हमने भी देखा। हाँ, तो लोग मेरे को कहते हैं आप हटी होगी थे, इसीलिए गंगा जी किनारे बैठे रहे। पर जब वो भगवान ने माया फेंकी, मेरी आवाज़ अच्छी थी, 150 साधु ये बात पूछ के देखना बोले आप हमारे वहाँ चाहिए, वहाँ श्रीमद भागवत करते। परिवार से कोई गिला सिखवा है, बच्चे हैं, वो माया से कुछ नहीं? कुछ नहीं, मेरे को सारी दुनिया का डर आ गया। मैंने सिविल लाइन के बाहर एक एक्सीडेंट, वैसे कुत्ते से वहम करती हूँ जानवर से, लेकिन मैंने देखो पूछ के देखना, भीख मांग के पशु चिकित्सा 40 रुपये का इंजेक्शन बढ़ाई नहीं करी, और वो उसकी किस्मत देख उस कुत्ते को ले गया मीडिया या नहीं आते विदेश अमरीका चला गया, तो मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा था उसकी किस्मत। 40 रुपये का इंजेक्शन लगवा दी, और चेतराम चाय वाला था वहाँ बैठाती उसको मट्टी चाय खिलाती दूर से, लेकिन मैं नहीं छूँगी। यहाँ भी ऐसे करती थी। अच्छा, ये फेमस भी आप अंग्रेजी बोलने वाली दादी क्या कुछ दर्शकों? अरे अंग्रेजी तो कोई ये भाषा है, अरे इससे मत, किसी को तेलुगु आती है किसी को ये, इससे मत, लोग इंग्लिश की इज्जत करते हैं, बड़ा पढ़ा लिखा है, मैंने यहाँ की पढ़ाई पढ़ी है, मेरे से भी धारावाहिक इंग्लिश बोलने वाले हैं, मैंने यहाँ की पढ़ाई पढ़ी है, मैंने बहुत पापड़ बेले बेटे, ये बाल धूबे नहीं सफेद किए हैं। दर्शकों को कुछ बताएंगे, कुछ ज्ञान देंगे कुछ? यही कि इस पर एक गाना है सुन ले, उस गाने से समझ जा, उस गाने में सारी बात आ गई दर्शकों के लिए, सांसों का क्या भरोसा आए कि ना आए, सुन ला, सांसों का क्या भरोसा, हम कह रहे हैं कल जिंदा रहे, मत सता तू कभी किसी को और मत हंस तू कभी किसी के, न जाने क्या हाल हो तेरा इस बेरहम जहां में, मतलब से तो राधा हरिचंद को भी मतलब तू, मैं भी कहती हूँ हड़ो हड़ो बे मतलब के मत करें, सांसों का क्या भरो, और कर कर को इतना ऊंचा अपनी करनी को कि तू बुलंदियों को छू ले, ताकि इज्जत से नाम तेरा मिट जाए जहाँ से, और टाइम इज मनी मनी टाइम, समय बचाओ, कुदरत बैंक में धरा पैसा मिल जाएगा, कुदरत ने तेरे को 24 घंटे दिए, ये पल गया सो गया, तो क्या है इसको बहा मत, कबीर वाणी बढ़ो कि रात बिसाई सोए के दिवस बिताया खाए, हीरे जैसा जन्म था कौड़ी बदले जाए।